आज लाई हूँ आप लोगों के लिए ऐसी ट्रिक जो आपको बेहद पसंद आएगी। सिर्फ 5 से 7 मिनट का आपका टाइम लगेगा। इसे हम बनाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। मैंने लिया यहाँ पर 1 कटोरी शुद्ध घी। इसे बनाने के लिए मुझे कोई खास तरीके का मोल्ड वगैरह नहीं चाहिए। यहाँ लिया मैंने कपूर। अगर आपके पास कपूर इस शेप में है ऐसे टुकड़ों में तो आप इस तरीके का ले सकते हैं। अगर आपके पास छोटी छोटी गोलियों के शेप में है वो भी ले सकते हैं। दुर्गा पूजा होती है 7 दिन, फिर हमारे यहाँ दिवाली आती है, तो इस तरीके से काफ़ी सारी पूजा में हमें बत्तियों की जोत की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो घी वाला कटोरा है एक बड़े बर्तन में डाल देंगे और उसमें हम डालेंगे ये कपूर और साथ में हमें डालनी होगी छोटा सा पीस मोमबत्ती का। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये जोत पूरी टाइट सी बनी रहे, मार्केट में इसी तरीके से बनती है। अगर आपको मोमबत्ती नहीं डालनी है तो यहाँ पर थोड़ा सा वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम प्योर घी का बनाते हैं तो वो थोड़ा मेल्ट होता जाता है, साथ में या तो थोड़ा वनस्पति घी या थोड़ी सी मोमबत्ती इस तरीके से डाल दीजिए। अब इसे हमें हल्के गैस पर सिर्फ पिघलाना होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गर्म पानी नीचे से रख दीजिए और ऊपर से आप ये घी वाली कटोरी रख दीजिए तो उससे भी ये पिघल जाएगी। अब बारी आती है हम इसे बनाएं कैसे। आप घर में कोई भी छोटी छोटी कटोरियां ले सकते हो, अपन चॉकलेट के मोल्ड ले सकते हैं या फिर आइस ट्रे जिसमें हम फ्रिज में बर्फ जमाते हैं उसे भी ले सकते हैं। जो भी आपके घर में हो, जो इजीली आपके पास मिल जाए उसमें आप इसे बना सकते हैं। जब भी आप बत्तियां लें, बत्तियों को नीचे से खोल कर थोड़ा चौड़ा कर दें जिससे वो बिल्कुल सीधी रहेगी और काफी लंबी टाइम वो बत्ती चलेगी। अब चाहे तो ट्रे में पहले बत्तियां डाल दें फिर घी डालें या पहले घी डालकर फिर बत्ती डालें। ये देखिए कुछ भी हमारे पास बॉटल्स होती हैं छोटी छोटी, उनकी भी ये छोटे से ढक्कन होते हैं, उनमें भी हम इस तरीके से बत्तियों को सेट कर सकते हैं अगर आपके घर में छोटी छोटी बत्तियां जरूरत पड़ती है तो। आइस ट्रे है इसमें भी हम घी डाल सकते हैं। घी, कपूर और मोमबत्ती जब तीनों पिघल जाएं तभी आपको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते रहना है। एक ही बत्ती से होगा ये कि आप दिया भी जलाएंगे और उसी में आपका कपूर भी जलेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब यहाँ पर मैंने छोटी छोटी कटोरियाँ भी ली हैं। अगर हमें बड़ी बड़ी बत्तियाँ चाहिए तो इस तरीके से छोटी कटोरियों में भी हम बना सकते हैं। अब ये सारी कटोरियों को, ट्रे को हमें रखना होगा थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। आप बाहर भी रख देंगे तो ओवरनाइट में ये ड्राई हो जाएगी और जम जाएगी। जैसे ही आप फ्रिज में 15-20 मिनट रखेंगे ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी और बहुत ही बढ़िया सिलिकॉन मोल्ड से तो बहुत ही फटाफट निकलेंगी। और जो आइस ट्रे है, जिस तरीके से हम आइस निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हो या फिर नाइफ से हल्के हाथ से आप साइड से आप पुश करोगे तो निकल जाएगी। कटोरियां भी आराम से निकल जाती हैं। अगर कटोरियों से नहीं निकल पाता है तो आपके मैं एक तरीका बताती हूँ, नीचे से हल्का सा गर्म पानी रखिए और बहुत ही फटाफट से निकल जाएगी। ये देखिए मैंने तो सिर्फ नाइफ से ही लिया और उसे निकाल दिया। अब आप किसी बड़े दिए में भी इस तरीके से बत्ती को जला सकते हो। एक तो काफ़ी लंबी चलेगी और बिल्कुल भी आपके हाथ खराब नहीं होंगे, घी का वेस्ट नहीं होगा, कहीं भी गिरेगा नहीं, कहीं मंदिर आपका खराब नहीं होगा, कोई कपड़े गंदे नहीं होंगे। तो इस तरीके से महीने की 30 बत्तियां जलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5-7 मिनट का काम है जो आपको करना है, पूरे महीने भर की छुट्टी हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।